देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है आज मैं आपको पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णय लिया है इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं आज गुरु परब का पवित्र दिन है अब आप अपने अपने घर लौटे अपने खेत में लौटे अपने परिवार के बीच लौटे आइए एक नई शुरुआत करते हैं नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तीन कानून हमने वापसी ले लिए प्रधानमंत्री जी तीन कानून नहीं पहले आप इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ वहां से इनको पास करवाओ ये किसान बगैर सर पे टिकट लेकर नहीं जाएगा घर और एमएसपी की गारंटी एमएसपी की गारंटी आप दो क्योंकि हम जहां पे है यहां पे किसी किसान की एमएसपी पे कोई खरीद नहीं होती एमएसपी का सवाल देश का सवाल है पूर्ण रूप से और आम जनता को ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं अभी लाडूर मिठाई बांटने की जरूरत नहीं ये संघर्ष अभी जारी रहेगा आज हमारी संयुक्त मोर्चे की नौ मेंबरी कमेटी की मीटिंग है जो सिंगू बॉर्डर पे है जो हमारा हेड ऑफिस है उसमें पूर्ण रूप से फाइनल डिसीजन वे लेंगे पूर्ण रूप से फैसला वहाँ पे होगा तो आप सब चीज ध्यान लगा के रखें हम पाल घर में हैं आज यहाँ से रात को हम आएंगे और सुबह ही वहीं बॉर्डर पे जो गाड़ी गाजीपुर बॉर्डर है उस पर हम रहेंगे और यहाँ का जो जो आदिवासी क्षेत्र है हम इनकी भी बात कर लेते हैं सब यहाँ पे है जो काका जी हैं यहाँ के बड़े सीनियर लीडर हमारे हैं हम इनके साथ में और जो ये आप देखोगे इन्होंने इन्हें जो अपना एक आंदोलन का बना, इन्होंने बनाई भूमि सेना आदिवासी एकता परिषद ये दो संगठन यहाँ के हैं इनके दोनों के मोर्चे पे आज हम जाएंगे यहाँ का जो एक बड़ा मोर्चा निकलना उसमें शामिल होंगे और यहाँ की इन आदिवासियों के क्योंकि जब भी संयुक्त मोर्चे की कॉल होती है तो ये पूर्ण रूप से उसको फॉलो करते हैं यहां के लोग दिल्ली के बॉर्डर पे गए हैं यहां का जितना भी यूथ है दिल्ली के बॉर्डर पे जाता है और ये भूमि सेना अपनी भूमि को बचाती हैं इनका नारा है कि अपना गांव अपनी सरकार तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार अपने गांव में बनाई है तो इनका धन्यवाद है सभी का और जितने भी क्रांतिकारी साथी है सबका धन्यवाद है और अभी कानून वापसी जब तक भारत सरकार पार्लियामेंट में नहीं लेकर आएगी जब तक देश का किसान मानने वाला नहीं है देश की महिलाएं मानने वाली नहीं है देश का जो मजदूर है आदिवासी है वो मानने वाला नहीं है तो इन सब का धन्यवाद है जय हिंद जय भारत जय बिर मुंडे बिरसा मुंडे की पूरी जमीन है ये आदिवासी क्षेत्रों का है और बिरसा मुंडा एक यहाँ के क्रांतिकारी योद्धा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब